ये प्याज महंगी, टमाटर महंगे, हर चीज में आग लगी हुई है। सारी बाहर मुल्क भेज रहे हो, हम की अपनी प्याज पकड़ के खड़े रहे। प्याज की प्लेट सोखी करके बैठा, अभी खुद पाकी है ये। क्या आया गाय के लिए? आए भाई यहाँ पे भाई देखने आओ ना। मेरे को क्या दे, लालू खेत में जाके दिखाऊंगा तेरे को। मैं गिरा होया बंदा जमा नीच बली है। मोबाइल निकाल निकाल, ले ले भाई, अब तो आ गया तू। मोबाइल निकाल बोला था, मोबाइल निकाल पे तो बोलते हैं वो, बाद में जब देव नहीं ना फिर बोलते हैं। पूछना था एक बार, थाने में गया एफआईआर करवाने, पीछे से बाइक चोरी हो गई। इसका सलूशन है अल्ताफ भाई, बचपन से पीपल्स पार्टी का हो चुका। पीपल्स पार्टी, लोग कहते हैं पीपल्स पार्टी का तीर ही घुस गया आवाम के अंदर। अबे साले, ट्रांसप्लांट वो हॉस्पिटल बनाई है, ये बनाई हॉस्पिटल बिल्कुल, किससे बनाई है, बिल्कुल किसने बनाई है, अंकल से ले लो यार ये मस्ती, ये लग रहे हैं थोड़े। क्या क्या पूछ रहे हो आप? चैनल हम एमक्यूएम पाकिस्तान के भाई, छोटे से कारकुन है। अल्ताफ भाई आएंगे तो उसका नाम भाई क्या रख देना, कोई नहीं रुकेगा। मैं एमिरेट्स की एयरोसेस खड़ी है, एकदम लाल टोपी नजर आ रहा है एमिरेट्स की एयरोसेस। जहाँ चार जमा होंगे फिर बोलेंगे सिंधी, पठान, महाजर सब अलग हो, लड़ा के रखेंगे। हमें शुरू से जब से मुल्क आजाद हुआ है हमें लड़वाया क्या गया है भाई? तू सिंधी है, तू महाजर है, ये तेरा दुश्मन है, तू उसका दुश्मन है। हाँ भाई, क्या हाल है भैया? शोकम मौजूद है कराची में मोबाइल मार्केट में। अगर आप उर्दू बाजार जाएं जहाँ किताबें मिलती हैं वहाँ सन्नाटे होते हैं, सारा रश इधर, क्योंकि अब जाना की आंखों में जो किताबें हैं अब कौम वो पढ़ना चाहती है। खैर, कराची में मोबाइल स्नैचिंग के वाकयात से पिछले 15-20 साल से चल ही रहे हैं, अब कुछ ज्यादा ही बढ़ गए और अब कत्लो गारत भी हम देख रहे हैं, बड़े अफसोसनाक वाकयात हो रहे हैं। हमने सोचा व्हाट बेटर प्लेस देन मोबाइल मार्केट इटसेल्फ, जहाँ पे हम लोगों से मशवरा लें। ज्यादातर ऐसे भी होंगे जिनका छिन गया है और दोबारा खरीदना है, तो आइए चल के लोगों से बात करते हैं और तासुरात लेते हैं कि स्नैचिंग के बारे में क्या कहेंगे। थैंक यू भाई साहब, सलाम अलैकुम। वालेकुम सलाम, क्या हाल है, क्या नाम है? हसनैन। हसनैन भाई, आजकल कराची में बहुत मोबाइल छिन रहे हैं, क्या बोलोगे? बस हमारी गवर्नमेंट को थोड़ा एक्शन लेना चाहिए इसके ऊपर। हाँ। और कुछ नहीं है, और थोड़ी पुलिस थोड़ी सख्त हो हमारी बस। यार हम लोग क्या करें, छिन रहे तो ये गवर्नमेंट की गलती है मेरे भाई, पुलिस की गलती है, कुछ हमारी अपनी भी गलती है। हमारी क्या गलती है कि हम मोबाइल रखते हैं? नहीं नहीं रखते, नहीं तो ओवर टाइम ऐसे रास्तों से गुजरते जाते, अभी भी मेरे भाई का छिन गया, नया लेने क्या हुआ। आपके भाई का छिना है? जी हाँ, वो लेने गया और दूसरा। कहाँ से छिना? ये तो मलीर से छिना है। मलीर से? तो फिर वो क्या, दो लड़के थे, तीन लड़के थे, क्या सीन था? वो रात को आ रहा था गाड़ी में था अपनी, तो बस किसी को फोन करा तो बराबर में आ गया लेडीज और एक बंदा, तो उन्होंने मोबाइल दिखाया ऐसे, बोले भाई एक मिनट, उसने शीशा उतारा मोबाइल लेके चले गए। वो गवर्नमेंट कहती है लोग ख्याल करें, गवर्नमेंट इसलिए हम बनाते हैं कि वो आगे से हमें मशवरे दें। लोग ख्याल कैसे करेंगे, दूसरे मुल्क में ऐसा नहीं होता ना। बस हमारा मसला यही है सारा। हाँ। ये दूसरी बात है, छीनने के बाद लोग मार भी देते हैं अपन। हाँ, ना बस मसला ये सारा, बड़ा मसला ये है कि छीनने का लोग मार भी देते हैं यहाँ पर, और कुछ नहीं है। बस गवर्नमेंट को चाहिए एक्शन ले, लेकिन गवर्नमेंट एक्शन लेती नहीं है। गवर्नमेंट एक्शन जब लेती है जब कोई बड़ा मसला हो जाता है। हाँ। वो किसी वजीर के बेटे को मार दोगे जब एक्शन लेगी, इसके अलावा गवर्नमेंट गरीब बंदे पर नहीं देखती। अच्छा, आजकल ये मोबाइल बहुत छीन रहे हैं और हम देखते हैं कि राइडर से भी मोबाइल छीन लिया जाता है, हालांकि राइडर की पूरी रोजी रोटी मोबाइल ही है, उसी पर उसको ऑर्डर आता है, तो क्या कहेंगे इसके बारे में? सर ये तो अब गवर्नमेंट को देखना चाहिए कि क्या मुल्क में हो रहा है और क्या तुमने फ्रॉड लगाया हुआ है। हमें तो अल्लाह माफ करे, हम तो डर डर के खौफ के मारे में, कि कस्टमर से भी हम डरते हैं, कस्टमर से भी डरते हैं हम। इस पे फिर क्या सख्ती लेनी चाहिए हुकूमत को? भाई सख्ती तो अभी आजकल देख रहे हैं मोबाइल में, जैसे कच्चे के डाकू यहाँ आ गए, ये सुन रहे हैं हम भी मोबाइल में देख रहे हैं आप। हाँ। लोग की बातों से यही। नहीं मैंने तो ऐसा कभी भी नहीं बोला। नहीं बोला, आपके दूसरे भाइयों ने बोला, हम भी रोजाना मोबाइल पे यही देख रहे हैं। कच्चे के डाकू यहाँ आ गए दिहाड़ी लगाने, बस अभी क्या बोले यार। तो वो लोग कहते हैं कि भाई बहुत गुर्बत है इस वजह से बढ़ रहा है, आपका क्या कहना है? बिल्कुल सही है, बेरोजगारी, बेरोजगारी है। तो क्या मोबाइल छीनना अच्छी बात तो नहीं है? ये बेरोजगारी नहीं है सर, रोजगार है सबके पास, लेकिन बेरोजगारी भी इसकी वजह। अच्छा वैसे ऐसे वाकयात होते ना, राइड मंगाई और लूट लिया। जी जी ऐसा ही होता है, कस्टमर ही होता है जो राइड मंगाई और वही आपको दोस्त यार से फोन करवा के वही लुटवा दिया आपको। अच्छा, आपके ऊपर भरोसा करें। नशा भी सबसे बड़ी लत है, नशा। नशा कौन सा नशा? या इसका चरस का हीरोनी जो जगह आप हर जगह पे पड़े हुए, इस वजह से इस पे इशारा कर दिए तो शरीफ बात भी इशारा कर रहा है। मैं बोल रहा हूँ यहाँ वहाँ पड़े हुए, आप भी देख रहे हो, हम भी देख रहे हैं। सही 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 सही। अरे क्या करे, ये तो छिनने के बंद हो जाएंगे, तो छिनने वो छिनते रहेंगे भाई। वो सुन क्या बात कर रहा है? अरे वो हुकूमत सुन रही है। तो भाई छिनने भाई, आपको भी पता है ना ये बात, हम लालू खेत में सब देखते रहे थे, हमको तो यहाँ एक जमाना हो गया, यही काम होता रहेगा, क्या करोगे? ये खत्म क्यों नहीं हो रहे पिछले 20 साल से कराची में? भाई टांग दो, दो चार को सही हो जाएंगे। टांगना? तो टांगना किसने? टांगना गवर्नमेंट ने, हमने तुमने थोड़ी है। मसला ये भी ना, आप रिपोर्ट कराते तो फिर हर हफ्ते पुलिस वाले बोलते क्या करते, रिपोर्ट करवा के क्या करेंगे? क्या करेंगे हम?
हम उनकी नजरों में चोर लग रहे हैं, हमसे चोर लूट के जा रहा है, हम उनसे शिकायत करें कैसे करें भाई। गवर्नमेंट तो कहती है हालात ठीक है, ऐसी कहाँ कह रहे हो, क्या हालात सही है ये, क्या कह रहे हो, हम देख रहे हैं ना कारोबार में कितना असर पड़ा हुआ है। असम खुदा गया, सुबह से यहाँ कुछ नहीं है, कारोबार ही नहीं हुआ, नहीं और क्या है, पब्लिक ही नहीं है, तो गर्मी इतनी है, तो पब्लिक कारोबार ये कोई लेने वाले नहीं है, घूमने वाले, और ये जो बराबर में ये भी ऐसे कंगला है, तो ये प्याज महंगी, टमाटर महंगे, हर चीज में आग लगी हुई है, 250 रुपए किलो प्याज नीचे ही नहीं आ रही, सारी बाहर मुल्क भेज रहे हो, हम की अपनी प्याज पकड़ के खड़े रहे। आया काय के लिए, क्यों आया भाई यहाँ पे भाई, देखना है उन्होंने को, मेरे को क्या दे, लालू खेत में जाके दिखाऊंगा तेरे को। मैं गिरा होया बंदा जमा नीच बली है, घर का आटा महंगा, राशन महंगा, तनखा 20,000, खर्चा 40,000। आपका तो माशाल्लाह कारोबार है अपना। नहीं, मैं तो दिहाड़ी वाला हूँ भाई। सेठ दिहाड़ी वाले हैं। हम तो दिहाड़ी। अच्छा सेठ खिला रहा है, ये भी सेठ खिला रहा है। अल्लाह अल्लाह खिलाने वाला, अल्लाह खिला रहा है भाई। मोबाइल बहुत छिन रहे, क्या बोलोगे, क्या बोलेंगे यार, सबके ही जा रहे हैं, हमारा भी चले गया। कब गया, कहाँ से गया? सीवीओ से गया। सीवीओ से? हाँ, एक महीना पहले वहाँ घूमने फिरने गए थे, मोबाइल चले गया रात में। कितने लोग आए थे? 2 लोग थे 125 पे, 2 मतलब 4 लोग थे, 2 125 पे थी। और तुम लोग कितने थे? हम थे 2 बंदे, 4 ने 2 को घेरा और फिर टीटी निकाली। कुछ भी नहीं, बस दिखाया, बोलने दे दो, दे दिया, क्या करे भाई। देखे ना, नौकरियां हैं, 20,000 बच्चे कर रहा है, एक ही मोहल्ले में 20,000 बच्चा महीने में पैदा होगा, तुम या तो वो घर जाएगा तो क्या करेगा, उसे कुछ तो करना है ना घर जाके। अबे तो यही करना है क्या, बस दीवार पेंट कर दे, ट्यूबलाइट सही कर दे, कोई काम कर ले। 4 साल पहले हुई थी सर स्नेचिंग। अच्छा जी, मिला था फिर मोबाइल? मोबाइल तो नहीं मिला, बाइक उसके अलावा और जो है वो बाइक चोरी हो गई। बाइक अलग चोरी हुई जी, बाइक मिली साल भर के बाद, अब उसके ऊपर 50,000 रुपए लगाने। तो साल के बाद मिली बाइक? साल के बाद मिली बाइक, 50,000 रुपए अब लगाने। अच्छा, तो यानी इसमें से सामान गायब था बाइक से? बाइक जी बिल्कुल सामान गायब। महंगाई ने खत्म कर दिया इंसान को, घर के घर में जाओ चूल्हे नहीं जलते, पानी नहीं आता, सुई गैस नहीं है, बस ये अल्लाह चला रहा है। पानी नहीं है तो अरे भाग गया, इधर 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 50 की प्लेट सोगी करके बैठा, अभी खुद भाग गया ये। अच्छा, तो ये इतने मर रहा है, गिर रहा है ये, इसको अभी बुलाओ, उसको मैं अभी इसकी असलियत निकालता हूँ बाहर, इसको तो बुलाओ। कौन है? हाँ खुद ये मर रहा है अभी, बोल लगा ऐसा लग रहा है इसका कुछ है ही नहीं, के पीछे कारोबार बहुत है भाई। आपको कोई उम्मीद है ये खत्म होगी स्नैचिंग वगैरह कभी? उम्मीद तो रखनी चाहिए, हो जाएगी, लेकिन जिस सिस्टम के साथ तो नहीं हो सकती। जहाँ पे आगे 50 रुपए चार्ज कर रहा है और वो पड्डा कर रहा है कि लाइन मेरी है तो उधर ले जाके खड़ी कर, एक ही पार्किंग के अंदर 4-4 कॉन्ट्रेक्टर है नाम के बस, तो इस सिस्टम के साथ तो नहीं खत्म होगी सारी, सिस्टम तब्दील हो। मैं कह रहा हूँ मैं गरीब हूँ, मेरे को दे दो, माशाल्लाह दुकान लेके बैठा वो पीछे भाई। दुकान है इसकी यहाँ पे? तुम्हें लगता ही ऐसा बंदा फुल डिफॉल्टर है तो उसको ले गया, वो उसको ले गया, अब इसकी तो दुकान है अपनी। भैया दुकानों की क्या प्राइस है? 4.5 लाख रुपए की है। किराया ना? 4 लाख किराया? किराया महीना? वैल्यू 13-18 लाख, 20 लाख, करोड़, 20 करोड़। 20 करोड़ की दुकान है, महंगाई करोड़ रहा है। क्या नाम है आपका? इम्तिसाल। इम्तिसाल, इतना मुश्किल नाम क्यों है? बस यही है, चाचू ने रखा था। चाचू ने अमेरिका में एक होटल का नाम है, तो चाचू अमेरिका में चल रहे थे, होटल देखा, तेरा नाम रख दिया। बस उनको पसंद था, शुक्र है विक्टोरिया सीक्रेट के बाहर नहीं थे। अच्छा, आजकल कराची में मोबाइल बड़े, आजकल क्या 20 साल से छिन रहे हैं? वो मेरे हुए पिछले महीने, बस मैं कॉलेज से पेपर दे के आ रहा था, आके खड़ा हुआ हूँ, पीछे वो आए, आके कहते हैं वो मोबाइल निकाल, निकाल ले ले भाई, अब तो आ गया तू अपने। मोबाइल निकाल बोला था या मोबाइल निकाल? वे तो बोलते हैं वो बाद में जब देओ नहीं ना फिर बोलते हैं। अच्छा, उससे पहले बोलते हैं मोबाइल निकाल। अच्छा, ये जो आजकल बात सही है आपकी, मोबाइल जो इतने छिन रहे हैं, इसके बारे में आपका छिना मोबाइल? मेरा मोबाइल छिना? कहाँ से? मेरा मोबाइल घर के बाहर से ही छिना। कहाँ रहते हो? मतलब मैं करूंगी, मैं रहता हूँ, मैं घर से बाहर निकला हूँ और वो आगे भाई मोबाइल निकाल। सुबह का टाइम था? नहीं, रात का टाइम, अफतारी, रमजान की बात बता रहा हूँ मैं, अफतारी के टाइम होता है, बिल्कुल सन्नाटा। अब मैं जैसे ही बाहर निकला हूँ वही वही बिल्कुल खड़े में, घर से बाहर कोई ना कोई तो आएगा नमाज के लिए। उनका पूरा सिनेरियो ये होता है कि यार बंदा जो है ना, मगरिब का टाइम है, अफतारी का टाइम है, सन्नाटा होगा, इक्की दुक्की आवाम होगी, जो बिल्कुल जो रोजा नहीं रखने वाली होगी ना, वो बाहर निकलेगी, उन्हीं को लूट लो। अब जो अल्हम्दुलिल्लाह हम रोजा रख के नमाज के लिए बाहर निकल रहे हैं, वहीं पर लूट जाओ, तो ये सीन तो होते रहे। और ये कोई एक वाक्य नहीं है जो बयान करने वाला हो, हर बंदे का अलग अलग ही वाक्य है, तो अगर वीडियो बनाने लगोगे तो तकरीबन लंबी हो जाएगी। जिससे बात करो सबके छिने में? सबके छिने। तो ये कौन से इलाके का वाक्य है? ये है कोरंगी 6 का। कोरंगी 6 का। अच्छा, और दूसरा मोबाइल कब गया? दोनों एक साथ थे। अच्छा, 2 मोबाइल रख के घूम रहे थे जी, एक आईफोन था और एक सैमसंग था। 2 मोबाइल रखे, मतलब कारोबारी आदमी हो क्या वजह? नहीं नहीं, वो एक नॉन पीटीए था, एक हॉटस्पॉट के लिए इस्तेमाल हो रहा था। ओ ये भाई, मैंने भी 2 ही रखे हुए, ये देखो, ये नॉन पीटीए, ये हॉटस्पॉट के लिए। अभी भी एक हॉटस्पॉट के लिए एक मोबाइल लेना है, दूसरा लेना है। आजकल ये इतनी मोबाइल स्नैचिंग हो रही है और इतने लोग मर रहे हैं, अनफॉर्चुनेटली, क्या बोलोगे इसके बारे में? यही बोलेंगे, हुकूमत को इकदाम करने चाहिए, सिक्योरिटी देनी चाहिए आवाम को, आवाम की जान माल का तहफ्फुज़ करना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए लूटमार जिस तरह से चल रही है।
यहाँ से बाहर निकलो तो मोबाइल छिन जाता है, पैसे छिन जाते हैं, इंसान लावारिस हो जाता है बिल्कुल। रिपोर्ट कराई तुमने? नहीं, मैंने, फायदा नहीं है ना। फायदा नहीं है। और अगर फोन किसी वारदात में यूज हो जाए फिर? एक तो नॉन पीटी था, एक मैंने सिम बंद करवा दी थी बस। मतलब तुम गए ही नहीं थाने? नहीं नहीं, क्योंकि तुम्हें पक्का पता है मिलना ही नहीं है। मिलना ही नहीं है तो फिर जाने का फायदा ही नहीं है। उल्टा वो बार बार बुलाएंगे पहचानो, जब स्नैचर पकड़ेंगे तो इम्तिसाल साहब को घर से ले आएंगे, भाई पहचानो। जी जी, ऐसे ही ऐसे ही। अच्छा, ये बात हकीकत है कि लोग जब मोबाइल खरीद के यहाँ से निकलते हैं तो मतलब शबाटर यहाँ घूम रहे होते हैं और पीछे पीछे आते हैं क्योंकि ब्रांड न्यू मोबाइल होता है? बिल्कुल, शबाटर सिर्फ यही नहीं घूम रहे होते, पूरे कराची में ही घूम रहे हैं बेधड़क। मगर मैंने सुना यहाँ पे खास वो फिर काली थैली में देते नजर ना आए, किसी जमाने में ऐसे ही होता था? बिल्कुल ऐसा ही है, ब्लैक शॉपर में डाल के देते हैं ताकि वो सकून से घर पहुंच जाए, घर पहुंचने के बाद छिने। ये क्या है पानी, ये कुदरत, ये किसी का ऑर्गेजम है क्या है? नहीं, ये प्लेट साफ कर रहा हूँ। अच्छा, प्लेट साफ कर रहे हो। आजकल इतने मोबाइल छिनने, क्या बोलोगे उस पे? मैं क्या बोलूंगा, मेरा खुद छिना। कब छिना, कहाँ से छिना, ये सुनने आया हूँ। बस छिन गया कहीं ना कहीं से, बलोचपुर से। बलोचपुर के, बलोचपुर से। तो फिर रिपोर्ट वगैरह कराई? नहीं नहीं नहीं, उम्मीद ही नहीं है, बस जाननी थी एक चीज चली गई। वो तो सही है, लेकिन फिर भी किस काम, अगर अगर यही मान ले के भाई ये तो होने वाली चीज हो गई तो थाने बंद कर दे सारे? नहीं नहीं नहीं। मोबाइल कौन सा था? आईफोन 6 था। फिर नंबर उम्बर सारे चले गए? नंबर उम्बर सारे चले गए। उसका भी नंबर गया? नहीं, बची थी नहीं। आपका तो नहीं छीना अनफॉर्चुनेटली? मेरा भी छिन चुका है 2-3 दफा। कहाँ कहाँ से? एक तो ये सदर से छीना है, सदर से ही छीना था, दूसरा गार्डन से एक दफा छीना, तीसरी दफा का याद नहीं मुझे। और कभी रिपोर्ट वगैरह कराई आपने? नहीं, रिपोर्ट करवा के क्या करेंगे, उधर जो बच्चा कुछ है वो भी छिन जाएगा। थाने में लूट ले आओगे? हाँ ना, जो थोड़ा बहुत बच जाता है वो वहाँ पे छीन लेते हैं। मेरा एक बार छीना था, मुझसे पूछ रहे फोन था कितने का, मैं वो आपका क्या काम कितने का था? हिसाब किताब अंदाजा कर रहे होंगे ना कि हमें कितने मिल जाएंगे इनसे। पीछे से बाइक चोरी हो गई इसकी, थाने के अंदर से बाइक चोरी, थाने से बाइक चोरी हो। ये कराची इस तरह रहते हैं, ये जो दूसरे शहरों में पाकिस्तान के, ये हमारी रोज की रूटीन है। क्या नाम है आपका? मोहम्मद अनस। मोहम्मद अनस, लेजेंडरी लिखा है, लेजेंडरी काम किए जिंदगी में कभी? कुछ नहीं, अब्बा का नाम ही रोशन नहीं करा अभी तक तो। अब्बा का नाम लिख के बल्ब जला लो, हो जाएगा यार, वो खुद परेशान है मेरे से उससे। अब्बा क्या करते हैं? अब्बा मोबाइल फोन की यहाँ शॉप है। अच्छा, तो स्नैचिंग वगैरह बड़ी हो रही है, इस पर बात कर रहे हैं, आपका तो नहीं कभी हुआ? लग आज तक नहीं हुआ। मगर फिर भी जो शहर में इस तरह चल रहा है, क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे, बस हमारे खुद ही हुक्मरान चोर हैं तो हम दूसरे को क्या बोलते रहे। सभी चोरी हैं, हम खुद समेत चोर हैं, हम क्या कर सकते हैं। आप कह रहे हो आप भी चोर हो? हाँ, तो हम क्या, हम दूसरे की जेबें मार रहे हैं, कुछ कर रहे होते हैं। तो अब्बा फुल जेबें काट रहे लोगों की? नहीं नहीं, अब्बा नहीं है हम इसमें शामिल। अब्बा नहीं है, अब्बा को कटा दिया तुमने। स्नैचिंग के ऊपर, ये तो माशाल्लाह हमारा कौमी फरीजा है स्नैचिंग ना, माशाल्लाह से। कराची में रहते हुए जो है वो ये सब ना हो तो फिर आप कराची के हो नहीं सकते, सौगात है यहाँ की। क्योंकि पुलिस ने कुछ नहीं करना, ना रेंजर्स ने कुछ करना है, चाहे तो सब कुछ कर सकते हैं वो। एक जमाना था, आपको पता है, एक तंजीम होती थी पहले, उनको हटाने के लिए रेंजर्स आई, माशाल्लाह हर गली गली में रेंजर होती थी। लेकिन अब कुछ भी ऐसा नहीं है, तो अपनी मदद आप है, घर से पढ़ के निकले और अल्लाह तवक्कल पे चले। क्या नाम है भाई आपका? मुस्तफा। मुस्तफा, ये आजकल कराची में इतने मोबाइल छिन रहे हैं, क्या बोलोगे इसके बारे में? इस बारे में क्या बोलेंगे, ये बाबा सारा हुकूमत भी है, ये रेंजर्स पुलिस ये काम करेगा तो होगा, पुलिस का तो काम नहीं है, रेंजर्स के हवाले करेंगे तो ये मसला हल होगा। तो रेंजर्स तो है कराची में और कहाँ, घर पे तो नहीं है? रेंजर्स के, रेंजर्स के हाथ में ये नहीं है ना, ये पुलिस के हाथ में मोबाइल छीनने का टिकट, यहाँ FIR उनके हाथ में, ये FIR अगर रेंजर्स के हाथ में होगा तो ये सब हल होगा। जैसे लियारी में गैंगवार का टाइम पे पुलिस से मसला हल नहीं हुआ, फिर रेंजर्स वाले आए कैसे, सब खत्म हुआ। फिर इसी बात पे ये भी मसला अगर रेंजर्स के हाथ में आएगा फिर वो अपने हिसाब से कानूनी कार्रवाई करेंगे, फिर ये मसला भी इंशाल्लाह हल हो जाएगा। ये वीडियो बनाने का मकसद ये है कि लोग कहते हैं जी महंगाई है, बेरोजगारी है, वो तो पूरे पाकिस्तान में, तो ये सौगात सिर्फ यहाँ क्यों है? भाई देखें, महंगाई तो पूरी दुनिया में है, लेकिन पूरी दुनिया में जो है ना एक सिस्टम भी चल रहा है, वो पाकिस्तान में नहीं है सिस्टम, बस बात सारी है। क्या कह सकते हैं इसके ऊपर, आपके ऊपर हुक्मरान जो है वो कुछ नहीं करने वाले, ना कोई एक्शन लेने वाले हैं। माशाल्लाह 15-20 साल से जो है सिंध हुकूमत यहाँ पे है, लेकिन कुछ रिजल्ट नजर नहीं आ रहा, ना रोडें अच्छी बनी हुई है कि चलो बंदा पीछे से कोई छीनने आ रहा है तो आप तेजी से भगा के बाइक ले जाओ, वो भी नहीं ले सकते, आगे स्पीड ब्रेकर आएगा, आपने रुकना बोलेगा आ जाओ भाई उतरो आ जाओ। और ये अक्सर हमने नोट किया है दोस्तों के साथ जो वाक्य हुए हैं, स्पीड ब्रेकर के पीछे ही छुपे हुए होते हैं लोग, उनको पता है गाड़ी स्लो होगी, वो पूरी टीम निकलती है। अभी कल मेरे दोस्त के साथ वाक्य हुआ है, वो दो बंदे बाइक पे थे, दो पीछे थे, और पुलिस को भी पता होता है कौन है क्या है, बस खैर अल्लाह मालिक है, अल्लाह रहम करे। चले, ख्याल रखे अपना, बहुत शुक्रिया। तो सबको पता है कौन है, बिल्कुल हमारा जो लॉ इन्फोर्स है बिल्कुल सो रही है, क्या कर रही है समझ से बाहर है, मतलब आवाम बेबस हो गई है अभी। हाँ। समझे आपके, मतलब उसके हाथ में कुछ भी नहीं है, कोई भी आए इस तरह आके गन दिखा के लेके चला जाएगा। अच्छा, जिस हिसाब से मोबाइल छिन रहे हैं जी, तो फिर मोबाइल मार्केट में रश भी होना चाहिए, क्योंकि सारे लोग रिप्लेसमेंट तो लेंगे, लेकिन मैं देख रहा हूँ यह सन्नाटे पर है, रश सारा सड़क पे है। ये जो आपको लग रहा है गेमा गेमी, ये जरा गली का शॉट लो, ये एक टाइम था इन गलियों में कंधों से कंधे टकरा रहे होते थे, चलना अजाब होता था,
आप देख रहे हो, और ये एक गली नहीं, ये सारी गलियां ऐसी खाली आ रही हैं। उस समय फुर्सत नहीं होती थी यहाँ पे, और अभी ऐसा हाल है कि मतलब बिल्कुल फारिग बैठे हुए आपके सामने, हर चीज अवेलेबल है, सारी वैरायटियां, इस साइज की दुकान इस साइज की दुकान पे मैंने छह छह जो है ना सेल्समैन देखे हैं, छह छह बंदा, मतलब पब्लिक को डील नहीं कर पा रहे होते। बिल्कुल यही हाल है, बिल्कुल यही हाल है, बहुत बुरा हाल हुआ है। बस हमारी दुआएं कि अल्लाह पाक कोई वसीला कर दे कुछ ऐसा कि हमारी, या फिर इनकी आंखें खुल जाए खुद ही, कि इनको एहसास हो जाए आवाम का। हाँ, पहले पहले हाँ पहले अपना वो पहले अपना सौगात को थूक दें, सौगात को थूक दें पहले। अच्छा, क्या नाम है आपका? राशिद खान। राशिद भाई, ये बताइए कि इतने मोबाइल वोबाइल छिन रहे हैं आजकल, क्या बोलेंगे इस बारे में? सर क्या बोलेंगे, एक अरसे से हो रहा है ये, तो अभी से तो हो नहीं रहा है कि अभी ज्यादा हो गए। कराची में तो माशाल्लाह ये 20 साल से हो रहा है, 20 साल से तकरीबन हम देख रहे हैं जब से। ये तो पुलिस जब चाहती है तो बंद हो जाता है, जब पुलिस चाहती है तो खुल जाता है। हम तो साफ सुथरी बात करते हैं, पुलिस को क्या फायदा है इससे, मोबाइल आ जाते हैं? मुझे नहीं पता, लेकिन ये सुनने में यही है कि मिली हुई पुलिस भी। दुनिया स्मार्टफोन पे जा रही है, हम फिर बटन वाले फोन पे आ गए। दिखा अपना बटन वाला फोन, बिल्कुल यही है, ये देखो बिल्कुल, ये हमारी टीम वाला खुद ही लेके फिर रहा है, शक्ल देखो बिल्कुल, ये इतना पाउंड कमा के है मगर फिर भी जो है इस पे चल रहा है। और हमारे पास आ रहे हैं, हमारे पास आ रहे हैं ऐसे कस्टमर जो कहने हैं हमारा 50,000 वाला फोन था चोरी हो गया, अब हमें 2,000 वाला बटन वाला दे दो। नहीं हमारे पास, नहीं हमारे पास, हम अब इसी से कौन 2,000 का तुम बेचोगे, तुम्हें बचत क्या 150-200 रुपए होगी उस पे, 100 रुपए भी मुश्किल से है, लेकिन अब आप खुद देख लेना इससे कोई गुजारा थोड़ी है। देखो दुकान वाले भी परेशान है, 2-2 लाख रुपए रेंट है इन शॉप्स के, यहाँ पे फ्रंट की शॉप्स के 2-2 लाख रुपए सिर्फ मंथली रेंट है, और हमारा मंथ जो है सिर्फ 4 हफ्तों का है, और 4 हफ्ते किस तरह निकलना है आपको पता है, पता ही नहीं चला एक हफ्ता, मतलब ये बड़ा बुरा हाल हुआ। फिर बीच में छुट्टियां भी आई थी, कोई ईरान का सदर आ गया, मार्केट बंद, छुट्टियां आ जाए। फर्स्ट मई जो है लेबर डे का जो उन्होंने नोटिफिकेशन जारी कर दिया है, मुझे आप इतनी छोटी सी बात बताते हैं कि कौन सा लेबर है जो घर में बैठेगा छुट्टी करेगा? लेबर तो यहाँ पे रोज दिहाड़ी पे काम पे आएगी बेचारा, फावड़ा लेके, और वो तो वही काम करेगा। तो लेबर डे नोटिफिकेशन इन्होंने सिर्फ अपनी अयाशी के लिए छुट्टी रखी है, आवाम को परेशान करने के लिए, लेबर को वही काम करना है। भैया ईद से लेके अभी तक 20 छुट्टियां आ गई हैं, आ गई हैं, अगर आप काउंट करो संडे में लाके 5 दिन ईद के, फिर ईरान वाली अलग, 20 छुट्टियां बिल्कुल आ गई, घंटा काम होगा इसमें, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। चलो यार अल्लाह रहम करे भाई, तुम बड़े शपाटर चल रहे हो, खैरियत तो है? बस ऐसे ही खड़े हैं, अल्लाह सबके हाल पर रहम करे भाई। वो तो करेगा अल्लाह, लेकिन हमें भी तो कुछ करना है इंसानों को, इंसान कुछ नहीं कर सकता, गवर्नमेंट कुछ नहीं कर सकता, गवर्नमेंट चाहती नहीं है, इंसान कुछ नहीं कर सकता, गवर्नमेंट चाहती है, ये अल्लाह चाहेगा वही होगा भाई। अगर कोई मोबाइल छीनता है अपने मोबाइल दे दो, अपनी जान बचा लो। लेकिन अल्लाह ने अख्तियार भी तो दिया ना इंसान को कि जमीन पे लॉ एंड ऑर्डर करे। लॉ एंड ऑर्डर तो आप भूल जाओ, हो ही नहीं सकता। जो गैर मकामी लोग है ना यहाँ पे, जो गैर मकामी है ना, उन्होंने ही सारा सत्यानाश किया हुआ। कोई भी हो, गैर मकामी लोग ना, वो सारे कामों में। अच्छा, मुल्क तो सबका है ना अंकल, मुल्क तो सबका नहीं, हम गैर मकामी को नहीं जानते, गैर मकामी जो लोग हैं वो है सबसे बड़े। हम जब यहाँ से निकलते हैं जेब में मावा नहीं छोड़ती, तो फिर मोबाइल चोर को मावा सबसे बड़ा इशू है इस शहर का वैसे, तो वो तो निकालती है ना पुलिस, हर किसी से बरामद हो जाता है। अच्छा, निकालती है तो बोलो हमारी आंखों के सामने जाया कर दो, वो जेब में रख के ले जाते हैं। नहीं, दे देते हैं वापस, दे देते हैं 150 दे दो, वापस दे देते, वापस भी आता, वापस भी आता बिल्कुल, मतलब एक मावे पे डबल पेमेंट चल रही है। कराची के रहने वाले मुझे ये बताओ, आप मैंने इतनी जिंदगी गुजारी है, मैंने कभी एक कत्ल होता था सालों के अंदर में कत्ल होता, आज यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह नाजायज बच्चे मारे जा रहे हैं, बच्चे नाजायज मारे जा रहे हैं, कोई लॉ ऑर्डर नहीं है, कोई लॉ एंड ऑर्डर नहीं है, लॉ एंड ऑर्डर कोई नहीं है, कोई हल भी नहीं इसका। भाई हल ये है कि ईमानदार गवर्नमेंट और ईमानदार लोग आए तो ये हल है। तो अभी इलेक्शन देना, ईमानदार को वोट देना था ना? नहीं, वो तो इससे बड़े छोड़ते फिर तो आपको पता ही नहीं है ना भाई, हमें बताएं, हमने जिंदगी गुजारी है, हमने जिंदगी गुजारी है, हमने भुट्टो का दौर भी देखा है, हमने बीबी शहीद का दौर भी देखा, बाबा भुट्टो का भी देर देखा है, वो दौर बहुत अच्छा। आप किसके वोटर हैं वैसे? मैं पीपल्स पार्टी का, बचपन से पंजाब, बचपन से पीपल्स पार्टी का। वो पीपल्स पार्टी, लोग कहते हैं पीपल्स पार्टी का तीर ही घुस गया आवाम के अंदर, ये हाल हो गया। आवाम ने नहीं घुसा है, उन जो 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 बोल रहे हैं उनके अंदर गुस्सा है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, आपकी दुआएं हैं, खैरियत से हूं मैं। अच्छा, मैंने ये बात करनी थी कि कराची में इतने मोबाइल छिन रहे हैं, लोगों की जान जा रही है, बेगुनाह लोगों की, इसमें क्या बोलेंगे आप, क्या कहना चाहेंगे? गवर्नमेंट का फेलियर है, जाहिर सी बात है, गवर्नमेंट अगर चाहेगी सिक्योरिटी देगी, आवाम इतने सारे टैक्स लेते हैं और आवाम को तहफ़ में नहीं देंगे तो आवाम जाएगी कहाँ? अब देखिए, हर फोन पे पीटीए टैक्स हजारों की तादाद में, लाखों की लेता है, लेकिन जब वही फोन छिनता है तो हुकूमत हाथ पैर रखे बढ़ जाती है। जाहिर सी बात है, देखें हुकूमत की ना अहली है टोटल, ये मैं कहूँगा। अगर हुकूमत चाहे तो अपने प्रोटोकॉल कितनी सेफ्टी तरीके से लेके जाते हैं, सारे रोड बंद कर देते हैं, तमाम चीज़ें अपने लिए करते हैं, आवाम के लिए क्या करती है? इस पर भी तो देखें ना, हम भी कराची में रहते हैं। हाँ। अच्छा, अगर हम किसी यानी कोई स्नेचर पकड़ा जाता है तो उसको तो दूल्हा बना के ले जाते हैं छोड़ा के,
हाँ। फिर उसका होता क्या है, अचार डलता है, चटनी बनती है, कोई रिपोर्ट नहीं आती, कोई रिपोर्ट नहीं आती ये भाई इसको इतने साल की हुई है या सजा मौत हुई नहीं, है उनके पीछे जो अवामिल हैं, जो करने वाले हैं, वो गिरोह या गैंग पकड़ा गया नहीं पकड़ा गया, बस उठाया ले गए और उसके बाद लिखत पढ़त की रहमो करम पे छोड़ दिया कि दोबारा फिर वही वो कहते हैं जनाब बेल पे आ गए, इनकी बेल हो गई जमानत। आपने कह रहे हैं, आप कह रहे हैं मतलब आपने बड़ी इंटरेस्टिंग बात की, आपने ये कहा ना कि भाई तीर गुस्सा है, मुझे बता दो कोई माई का लाल इतने सालों में आप शिकायती की बात नहीं करो, आप सिंध के अंदर जाके उसके हालत देखो, उनके उनके जो रोड बने हुए, इतनी ट्रांसप्लांट वो हॉस्पिटल बनाई है, ये बनाई हॉस्पिटल बिल्कुल किसने बनाई है, बिल्कुल किसने बनाई है, हाँ तो सिंध गवर्नमेंट ने बनाई है, खत्म हुई बात नहीं है सिंध गवर्नमेंट, नहीं नहीं लेकिन वहाँ तक जाते हुए कच्चे के डाकू भी होते हैं, डाकू कम नहीं थे, नहीं आपकी पैदाइश से पहले के डाकू थे भाई, तो किसने खत्म, मेरी पैदाइश से पहले के डाकू, सिंध खत्म होंगे ही नहीं, किसने खत्म करना, नहीं होंगे खत्म, गवर्नमेंट ने करना ना, वो नहीं होंगे खत्म, तो ये देखे ना चौथी हुकूमत है ना, देखो चौथी हुकूमत हो चाहे दसवीं हुकूमत हो, लेकिन ये आप बंद कर दो, आप चलो बंद करो, बंद करो कैमरे, उधर मुंह कर दो, उधर मुंह कर दो, बंद कर दो, हाँ कौन महफूज है, आप महफूज है यहाँ पर खड़े हुए, सर मैं छह बंदा लेके इसलिए घूम रहा हूँ, लाखों के कैमरे छिन जाते हैं आजकल, राइट बात है, इतफाक से मैं भी यूट्यूब, अरे वाह वाह, ये तो बात आपने अच्छी, क्या क्या यूट्यूब करते हैं आप, मैं जमशेद आसमी इन्फॉर्मेटिव चैनल का ऑनर हूँ, अच्छा, और बट जमशेद जमशेद आसमी इन्फॉर्मेटिव चैनल, जमशेद आसमी, भाई ये स्क्रीनशॉट लगा देना जरा स्क्रीन, ठीक है ना, किस चीज की इन्फॉर्मेशन, मैं बर्ड वगैरह जो भी होता है उसको करता हूँ, अच्छा बर्ड वॉचर है, हाँ पेट पेट से रिलेटिव, आजकल इतने मोबाइल छीन रहे हैं, लोग मर रहे हैं बेगुनाह, लोगों छोटे छोटे बच्चों के वालदेन छीन लिए जाते हैं छोटी उम्र में, तो ये बड़ा नुकसान है, तो क्या कहेंगे इसके बारे में, एक छोटी सी चीज़ के पीछे, मोबाइल रहीम, देखिए सबसे पहली बात ये है कि मोबाइल जो छीने जा रहे हैं तो ये तो इतना बड़ा लॉस नहीं होता, लेकिन किसी की जान जाना जो है वो सबसे बड़ा लॉस होता है, सही है, देखिए मोबाइल तो अब आजकल ऐसा है कि खाना ज़रूरी नहीं है मोबाइल ज़रूरी हो गया, अब तो ऐसा भी हो गया, पहली चीज़ ये भी है कि मोबाइल को इतना जरूरी भी ना किया जाए जितना किया हुआ है, नहीं अब है, देखिए अब जैसे फॉर एग्जांपल राइडर है, फूड पांडा वाला है, बाइकिया वाला है, ड्राइव वाला है, वो तो बेचारा स्मार्टफोन भी चलेगा ना, उनको तो कोई ऐसी सहूलत देनी चाहिए कि वो तो देखें, वो तो आप ये समझ लें कि वो वॉरियर्स हैं, वो कि वो जिस तरह काम करते हैं, हमने देखा वो इतनी बारिश में भी काम कर रहे होते हैं, मतलब जैसा भी हो, लोग तो राइड बुला के मोबाइल छीन लेते हैं, गलत है, देखें जब तक हमें इस मेन चीज़ ये है कि हमें सबसे पहले यूनिट होना चाहिए, यूनिटी होनी चाहिए कि एक दूसरे का ख्याल करें और एक दूसरे को सपोर्ट करें, सबसे मेन चीज़, जब एक दूसरे को देखिए मोबाइल स्नैचिंग करने वाले भी जो है वो भी किसी मजबूरी में आके ही कुछ ना कुछ कर रहे हैं, तो उनके लिए भी हमें कुछ लोग चौकी, देखो एक तो आदत होती है, आदत का तो कुछ नहीं कर सकते, दादा अस्सलाम वालेकुम कैसे हैं, वो थोड़ी सी बात करनी है, मोबाइल बहुत छिन रहे ना आजकल शहर में, वो तो आपको पता है कैसा छीन लेते हैं, जुल्म नहीं है तो इसका कौन जिम्मेदार है इस पे, ये हुकूमत जो मार है और कौन जो मार हो, हाँ और कौन होगा, तो इसका क्या इलाज है, क्या करना चाहिए, क्या करेगा, ये जो बच्चों को मार देते हैं, जवानों को मार देते हैं, ये तो लूट मार शुरू है, क्या करें, गरीब आदमी, लोगों के दिल में क्या खुदा का खौफ खत्म हो गया बिल्कुल, वो तो काफर भी गैर मजहब भी ऐसा नहीं करेगा, जैसा ये मुसलमान हम बोलते हैं हम मुसलमान, लेकिन गैर मजहब का भी ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं करते, क्या करते, जुल्म है, जुल्म, चले ख्याल रखे अपना भाई, ये हमें रैंडम मने, क्या नाम है, साजिद, साजिद भाई रैंडमली मिले, कह रहे हैं आपके शो से मोबाइल जीता था, दिखाओ कौन सा, वीवो वाला है जी भाई, ये कौन से, ये भी क्रिकेट का जो हमने बीएसएल वाला, नाम क्या हुआ, साजिद, साजिद जी सर, फोटो किसकी है, बच्चे की है, नहीं नहीं, नहीं उधर उधर पीछे, ये बेबी की, अरे वाह माशाल्लाह माशाल्लाह भाई, ये देखे हमारे ही शो के विनर हमें रस्ते मिल गए, लोग कहते हैं आप फोन नहीं बांटते, ऐलान करके खली होली होते, सच है पूरा, पैसे दिए मैंने तुम्हें भी, नहीं भाई कुछ भी, मैंने कुछ दिया कि भाई आके इंटरव्यू देते, नहीं भाई मैंने आपको देखा, मैंने सर से मुलाकात हो गई, क्या बात है यार, देखे भाई प्यार गजी स्वैग का फैला हुआ है, बहुत शुक्रिया भाई, थैंक यू सर, भाई जन बात ये है, तमाम लोगों को पता होता है कि ये कौन सी हाई इलाके में एक चोरों का ग्रुप होता है, हाँ। उनकी कुछ पुलिस से भी बड़ी सेटिंग होती है, उनको कोई उठाता ही नहीं है, वो ये सारे काम करते हैं, हाँ। अगर उन लोगों को ये थाने वाले उठाए तो सारी बात आ जाए, खुद ब खुद खत्म हो जाएंगी, इसमें हाँ। आसान काम है, अब चाचा ये देखे ना, जो बच्चा 15 16 18 की उम्र में मोबाइल छीन रहा है, वो बड़ा होके बम भी फाड़ेगा, ऐसी बात है, दहशतगर्दी करेगा, एक तो सबसे बड़ा मसला है कि महंगाई बहुत है, ऊपर से बेरोजगारी बहुत है, कोई सिस्टम है नहीं इस मुल्क के अंदर, तो आदमी करे क्या, वो बहुत आसानी से जाइम की तरफ राजीव हो जाता है। देखो मैंने इंटरव्यू किया था एक बच्चे का जेल में जाके, वो जाहिर है एयर नहीं कर सकते, वैसे ही वर्बल लिया था, वो 11 साल की उम्र से छीन रहा था, अच्छी फैमिली का था, अच्छी हाफिज़ कुरान भी था, घर में किसी चीज की जरूरत थी, बस थ्रिल में
कीड़ा कि यार मैं छीनूंगा किसी का। देखिए वो कीड़ा तो फिर रहेगा ना वो तो। चाचा अगर आपको एक महीने की हुकूमत दी जाए कराची की तो इस पे क्या एक्शन लोगे आप? भाई यही एक्शन लिया जाएगा, सबसे पहले जितने क्रिमिनल हैं इनको लगाम दी जाए। ये क्रिमिनल जितने भी क्रिमिनल छोटे बड़े इन्हीं की वजह से सारे जराइम होते हैं। हाँ। हर तरह के जराइम में यही लोग मुलाविस हैं। क्या क्या पूछ रहे हो आप? चैनल पे आएगा? यहाँ कोई पूछने वाला नहीं है, इनको अपना है बस, अपना जो भी करना अपना इनको है बस। अच्छा इलेक्शन वाले टाइम में हमारी मुलाकात हुई थी, आपने बातें भी की थी, अगर अच्छी और सही हुकूमत आई होती तो ये हाल नहीं होता, कोई ना कोई रिजल्ट होता, कोई ना कोई रिजल्ट होता। तो अभी है कि ऐसे ही है बस, इनका कोई वो नहीं है, बाकी है कि अल्लाह खैर करे, अल्लाह इनको नेक हिदायत दे। ये बस वो मांगने भी तुले हुए, मांगने जा रहे, कभी इधर मांगने जा रहे, किधर नहीं, अपने मुल्क सही करें। अब इंडिया को देख लो, बांग्लादेश को देख लो, और मुल्कों को देख लो यार। हम लोग छोटे मोटे सियासी वर्कर भी हैं, हम तो अक्सर टॉप करते रहते हैं, लेकिन कौन सी पार्टी के वर्कर हैं आप? हम एमक्यूएम पाकिस्तान के भाई, छोटे से कारकुन है। सही है, बस टाइम मिलता है तो चले जाते, उन्हें बाइकियां चला गए। और एमक्यूएम लंदन अगर दोबारा आ गई फिर? वो अभी बड़ों का काम है, वो जाने उनका काम, हम लोग तो अभी पाकिस्तान में चल रहे हैं भाई, बाइकियां चला रहे। सही है, और दिन में अपनी छोटी मोटी नौकरी करते हैं केएमपी में। हमारा कोई ना पहले लेना देना था लंदन से, और अभी जो एमक्यूएम में हमको 5-6 साल हुआ है। अच्छा, हम लोग जाते भी नहीं है। अल्ताफ भाई आएंगे तो उसका नाम भाईकिया रख देना भाई, यही करना पड़ेगा। भाई ये बड़ा मसला है आजकल इसका, क्या बोलेंगे? ये उठा के ले जाते हैं, क्या कहें, आए दिन का सॉफ्टवेयर अपडेट होता है, फिर भी बेचारे कराची में आ जाते हैं नमाज पढ़ाने कराची की, और क्या बोले। सॉफ्टवेयर अपडेट कौन करता है इनका? हम ही लोग करते हैं, कभी आवाम कर देती है, कभी हम लोग कर देते हैं, फुल टाइम सब, लेकिन भाग जाते हैं बेचारे, नहीं है पना गिरे ना ये। हाँ। बांगड़ी भाग जाते हैं ये। वो कहते हैं गलत पार्किंग है इसलिए उठा रहे हैं, वो देखो कैमरा घुमा उधर भाई, ये दुकानदार टैक्स भी तो दे रहे हैं इस रोड का। हाँ। अगर इन्हीं के ही कस्टमर की पार्किंग ना लगे कहाँ जाए हम लोग, मार्केट में तो पार्किंग है नहीं। अब अगर मुझे आपसे मोबाइल लेना है तो मैं एट्रियम पे लगा के यहाँ तक तो नहीं आऊंगा भाई। एट्रियम पार्किंग प्लाजा बनाया हुआ है, वो बेचारा उधर पोटरी सो रहे हैं वहाँ, तो कौन लगाने जाएगा वहाँ? अगर मैं सुना लौंडेबाजी बहुत होती है, अरे खजड़ेबाजी भी हो रही है। कहते हैं महंगाई बेरोजगारी, वो तो पूरे मुल्क में, वो तो मसला कराची में क्यों है? हाँ कराची में देखो ना आप, लाहौर देखो, ये देखो फर्क है ना उसमें, आप कंपेयर तो करें आप, बहुत फर्क है। इनको सेट करो, अल्लाह रसूल का वास्ता, आप इनको सेटिंग करो, बाकी और कुछ भी नहीं है, बाकी अल्लाह का करम इस पर। चले बहुत सारी दुआएं, बहुत शुक्रिया। अच्छा आजकल इतने मोबाइल छिन रहे शहर में, लोग मार रहे हैं, क्या क्या बोलोगे इसके बारे में? तो जब तक कराची वाले यहाँ कटवाते रहेंगे अपना, तो काटते रहेंगे बाहर से आके, तो क्या करे कराची वाला, क्या किसको सर मारे, कहाँ बोले, क्या बोले? तो सर मारना चाहिए पटनी, बताओ यहाँ थोड़ी, सारे इनके अपने ही बंदे हैं सारे, और कौन है? हाँ ये अंकल आजकल इतने मोबाइल छिन रहे हैं शहर में, शहरी डरे हुए हैं, और वो फोन दो भी नहीं भी दो गोली मार देते हैं। कोई छोटे बच्चों का बाप है, कोई खुद किसी का जवान बेटा है, क्या बोलेंगे इसके बारे में? तो नाजायज ही है ना, बेरोजगारी बढ़ गई है इस वजह से, और सुनने में तो ये आया है कि हमारे लोकल तो बंदे है ही नहीं, वो बाहर से आए हुए। पूरी मार्केट में लोग यही बात कर रहे हैं? हाँ लोकल जो बंदे होते हैं वो शनाख्त हो जाते हैं, लेकिन जो मतलब दूर दराज से आए हुए वो पता नहीं चलता है कि वो, और छोटी मोटी चीज़ें होती है वो शनाख्त भी हो जाती है, विजिबिलिटी भी है उनकी, तस्वीर की शनाख्त भी है, फिर भी हमारे यहाँ कुछ नहीं हो पा रहा है ना। तो यही है कि नए प्लान्स के साथ के औरतों का इस्तेमाल कर रहे हैं बीच में, बच्चे आ रहे हैं साथ में, औरत बच्चे मिलके आके दोनों लूट रहे हैं साथ में। हैं औरत बच्चे कैसे लूट दोनों रहे हैं? आ रहे हैं भाई, मैंने खुद इतनी दफ़ा विटनेस किया है, हाथ में जो है जो मेल पर्सन चला रहे हैं उसमें और अच्छा, अच्छा, पीछे हाँ, हाँ, ये तो मैंने भी ट्रेंड सुना है कि बीच में बच्चा बिठाया, आगे बंदा पीछे बंदा, तो एड्रेस पूछने के बहाने आ गए। हाँ। कोई और इन्फॉर्मेशन लेने के लिए आ गए। हाँ। तो इस तरह जो है ये इन्फॉर्मेशन लेने के बहाने जो है उसी टाइम स्नैचिंग कर लेते हैं कुछ ऐसी जगह पे, ऐसी स्ट्रीट में जहाँ पे रश नहीं है और बिल्कुल जो है एकदम सन्नाटा हुआ हुआ है। हाँ। नॉर्मली ये तो मैंने नॉर्मली देखा ही है। अच्छा लोग यहाँ के लोग भी नहीं, सब आउटसाइडेड लोग लग रहे हैं ये। हाँ। क्योंकि ये यहाँ के तो हम ऐसी पहचान जाते हैं कि ये यहाँ पे हैं, ये सब गुजरात से आए हैं, वो भी पैदल पैदल बताते हैं कि गुजरात से पता चल जाता है, कराची वाला अलग ही पहचाना जाता है मेरे भाई। कराची वाले के सींग होते हैं, सुरखाब के पर होते हैं। नहीं 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 अलग पहचाना जाता है। मैं कहाँ से लगता हूँ कराची वाला? यहीं के ही हो आप? मैं नहीं हूँ यहाँ का। फिर कहाँ के? मैं यहाँ का नहीं हूँ, साहिवाल का हूँ मैं। भाई साहिवाल की गाय मशहूर है और एक आपके भाई की। अच्छा भाई अब फोन जेब से भी जा रहा है, शलवार की जेब से, अब क्या में रखे, कहाँ रखे फोन? अस्तगफिरुल्लाह, कहाँ रखे फोन ये बताओ।
वो सीक्रेट जगह बताओ। मेरे को नहीं पता। आजकल इतने मोबाइल छीन रहे, क्या बोलोगे भाई? क्या सफर की दुआ पढ़ के निकले और सदका दें, और अगर कोई आ जाए तो आराम से उसके हाथ में दे दे, दो रखें, एक दे दें और एक जेब में। आप देख रहे हैं जितने भी नॉन कराचीआइट्स या नॉन पाकिस्तानी, हमें दो फोन रखने पड़ते हैं। एक देने के, देने वाला कौन सा है? देने वाला ये छोटा वाला है, अभी ये भी आईफोन है, और ये दूसरा बहुत पुराना वन है आईफोन। नहीं यार वन तो नहीं, माइनस वन मतलब सेवन है, सेवन सेवन है। और ये क्या है? ये एक्स। अच्छा, और जल्दबाजी में अगर एक्स को याद करते करते एक्स पकड़ा दिया फिर? वैसे सच बात ये कि जब एकदम से आता है ना तो बस फिर कुछ भी दे दो भाई, यही ले लो। हाँ। ऐसा होता नहीं है, ये तो खाली एक ऐसी वरवली बात है, जब सर पे लोहा लगता है ना तो जिस्म में करंट आ जाता है। हाँ। फिर पता नहीं चलता कि हुआ क्या है। हाँ हाँ, मैं एक बार कहाँ था मैं, नागन चुरंगी के बाद। हाँ। गाड़ी में बैठा था, अब सामने ना बड़ा बड़ा बवासीर लिखा था, तो मैं स्टोरी बना रहा था कि दुनिया भर में ग्राफिटी होती है, बार्ट सिम्पसन बना हुआ है या कोई कार्टून बना हुआ है, हमारे यहाँ बड़ा बड़ा बीमारी लिखी हुई है, राइट? तो मतलब एस्थेटिक वैल्यू कोई नहीं। अभी मैं ये स्टोरी बना रहा हूँ, मेरे शीशे पे आके धड़ करके बट मारा। अल्लाह अल्लाह, वो तो शुक्र है रोड खाली था, वैसे दे देना चाहिए, जान से बढ़ के नहीं है मोबाइल। अंकल 9 मई के वाकये में एक एक बंदे की सीसीटीवी फुटेज से बंदे उड़ गए थे। अभी रोजाना मोबाइल स्नैचरों की तस्वीरें आती है फुल HD में, वो नहीं उठ रहे होते। बहुत कम लोग उठते, अगर उठते भी हैं तो बहुत करीबी होते हैं उनके जानने वाले, तो उसमें उड़ जाते। अच्छा, वरना लोकल सिटीजन के तो कोई भी नहीं उठते। हाँ। ना। तो इसका क्या हाल है, क्या किया करे आवाम, बस लुटती रहे, फोन पकड़ाती रहे, क्या करे? क्या कर सकते हैं, हम तो अभी तक ऐसे ही बैठे हुए हैं ना। वेपन रखना शुरू करे पब्लिक, क्या करे? वेपन भी रख के उससे पहले वेपन चल जाएगा तो क्या कर सकते हैं? वेपन निकालने से पहले वो तो वेपन लेके तैयार बैठा होता है ना, तो उसका क्या। और ये कहते हैं कि बहुत से लोग घबरी होते हैं, वो घबराहट में चल जाती है। हो सकता है ऐसा भी हो, लेकिन हमारे यहाँ का अभी रेशियो देखो, तकरीबन 62 आदमी जो है वो शुरू से लेके जनवरी से लेके अभी। हाँ। काउंटिंग ले तो 62 आदमी को बेगुना मार दिया है। 62 लोग मर गए हैं। हाँ। और कितने हजार फोन जिनकी तो रिपोर्ट भी नहीं कराई, मुझे मार्केट में जितने बच्चे मिले गए हमने रिपोर्ट नहीं कराई, क्या करना, क्या कर सकते हैं, और उसकी कोई सुनवाई भी नहीं है। लेकिन बाहर कराची इतना बड़ा शहर है, इतनी बड़ी आबादी है, इधर हर जबान बोलने वाला आपको मिलेगा, लेकिन जिस हिसाब से जराइम का रेशो बाहर अगर आप गूगल करें तो पता चलेगा कि कोई ऐसा बड़ा रेशो मुझे लगता है कि नहीं है। ठीक है कि यहाँ पर इतनी 22 करोड़ लोग 23 करोड़ लोग रहते हैं, हर जबान बोलने वाला, आज तक हम जवान हो गए यानी क्या बुढ़ापे की तरफ रवानगी है, लेकिन हम अभी तक लांडी और मलीर और जो है इसके आगे के इलाके भी हमने नहीं देखे। तो जिस हिसाब से आबादी है तो क्राइम का रेशो इतना नहीं है, लेकिन बाहर सेफ साइड चले भाई, ये जान जो है ना वो वापस नहीं आने वाली, चीजें वापस आ जाएंगी इंशाल्लाह। और जो दूसरी जान है वो किसी और की जान हो जाती है, वो नहीं आती वापस, वो वापस नहीं आती। हाँ, ये बात। मैं ला एमिरेट्स की एयरोसेस खड़ी है, एकदम बैठ नजर पड़ी, लाल टोपी नजर आया, एमिरेट्स की एयरोसेस, ये तो क्या है, ठीक है, बहुत नीला हो रहा है, खैरियत है। तो आपका नाम क्या है जी? औरंगजेब। औरंगजेब भाई फुल मुगलिया स्टाइल की आपने टोपी पहनी है। सर गंज बने, मजबूरी है, पूरी है, मजबूरी है। अच्छा मजबूरी है, गंज मारे धूप है, शिद्दत है, हीट भी चल रहा है। हाँ। खुद तो हीट पे नहीं है? नहीं नहीं, खुद माशाल्लाह कूल हूँ। कूल है, कूल है, जबरदस्त, माइंड भी कूल है, माइंड भी कूल है। अच्छा ये आजकल इतनी डकैतियाँ बढ़ गई हैं शहर में, फुल गोलियाँ चल रही हैं, मोबाइल छीन रहे हैं, बच्चे कत्ल हो रहे हैं, क्या बोलेंगे इस पे? लॉ एंड ऑर्डर तो है ही नहीं कराची शहर में, कॉस्मोपॉलिटन सिटी, इतना बड़ा नाम, लेकिन तहफ्फुज नहीं है किसी भी शहरी को, सिक्योर नहीं है कोई भी शहरी। हाँ, चाहे कोई भी इलाका हो, क्लिफ्टन, कोई भी बिल्कुल बिल्कुल, चाहे वो अपर क्लास हो, पोश शहर हो, इलीट क्लास हो, चाहे वो गुंजान आबादी हो, चाहे केवाड़ी हो, चाहे बंदर रोड हो, और लूट भी रहे हैं, मार भी रहे हैं, बिल्कुल बिल्कुल, तहफ्फुज है ही नहीं है इसका, सिक्योरिटी डिपार्टमेंट नहीं है। इलाज क्या है? है, लेकिन सैलरिया ले रहे हैं आवाम के टैक्सेस पर, सिक्योर नहीं कर रहे हैं आवाम को, अपना काम नहीं, जो उनको बुनियादी हक है। यूनिटी कहाँ से लाएंगे यार, इनको यही रखा, इनको भूखा रखो, उलझा के रखो, ताकि इनकी यूनिटी रहेगी ही नहीं, अपनी टेंशनों में रहेंगे, मुल्क जो जी चाहे करते रहे। तो फिर इसका इलाज क्या, मरते रहे ऐसे फोन पकड़ाते रहे, क्या करें? तो अभी इसका ये सोल्यूशन तो सोचना पड़ेगा, ये देखो कितने वाकया सर ऐसे हुए कि पकड़ा और मारा फिर लोगों ने। हाँ। उन डकैतों को जलाया। अच्छा, गया ये बात ठीक, ये आप इस बात पे क्या कहेंगे कि ये जो लोग पकड़ के फिर मार देते हैं, क्या ये होना चाहिए? इससे और वायलेंस बढ़ेगा, कानून तो हाथ में नहीं लेना चाहिए ना, इसमें क्या बोलेंगे आप? कानून तो हाथ में नहीं लेना चाहिए, लेकिन ऐसा है कि आवाम जो है ना बदल हो के, हुकूमत से बदल हो के ये इंतहाई इकदाम उठाने पर मजबूर है। जहाँ चार जमा होंगे फिर बोलेंगे सिंधी, पठान, महाजर सब अलग। तो जाहिर है ना, हमें शुरू से जब से मुल्क आज़ाद हुआ है हमें लड़वाया क्या गया है? भाई तू सिंधी है, तू महाजिर है, ये तेरा दुश्मन है, तू उसका दुश्मन है। कभी हमें मजहबी बुनियाद पे लड़वाया गया है, कभी जबानी बुनियादों पे लड़वाया गया है। अब उन्होंने कहा बाबा ये एक हो गए, अब इनको क्या करो, इनकी यूनिटी तोड़ो, इनको टेंशन देते रहो, टेंशन देते रहो।
अब जो फैसिलिटीज वाली चीज उस पर टेंशन दे दो, टेंशन में ही रहेंगे ये बेचारे। अब देखो कोई बेचारा शॉपिंग करने आया, वो लिफ्टर आके बाइक उठा रहा है, तो जाहिर है भाई। ये तो यहाँ पर इस वक्त जो राज चल रहा है ना, अंधेर नगरी चौपट राज है ना, कानून का कोई हिसाब किताब है ना, कानून का इम्प्लीमेंट है। आप खुद कर रहे हैं, मैं कर रहा हूँ, कुछ नहीं कर रहे हैं हम लोग, क्योंकि वो तंग आ गए हैं। बिजली की महंगाई है, गर्मी भी है, महंगाई भी है, फिर ये छीनने वाला कारोबार भी है। बिल्कुल, सबका कारोबार फोन पे होता है, आप किसी आपका कारोबार छीन लो तो गोली मारेगा ना आपको, गोली मारेगा। कितने बेगुनाह लोग यहाँ दुनिया दारे फानी से कुछ भी कर गए सिर्फ एक मोबाइल फोन की वजह से। हाँ, इतना जुल्म है। वालदेन इतना मेहनत से पाल पोस के बच्चा जवान करते हैं कि बुढ़ापे में सहारा बनेगा, मोबाइल के पीछे 25,000-30,000 के मोबाइल के पीछे उसको मार देते हैं। बिल्कुल, चले औरंगज़ेब जुल्म है, बेइंतेहा जुल्म है। चले, ख्याल रखे अपना, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। इस वक्त जो है ना, सबसे ज्यादा अय्याशी में दो तबके हैं, एक भीख मांगने वाला गरीब तबका और एक पैसे वाला अमीर तबका। जिसके घर पे दो गाड़ियाँ हैं, तीन गाड़ियाँ हैं, उसके घर का खाली पेट्रोल का ही है, रोजाना 5,000-10,000 रुपये खर्चा, उसको क्या परवाह, उसके लिए तो मुल्क जन्नत है। एक जमाना था मोबाइल की दुकान पे मच्छर की तरह लोग फंसे रहते थे, अभी मैं मोबाइल मार्केट से आ रहा हूँ, बाहर सड़क पे रश है, अंदर सन्नाटे हैं। क्या वजह है? परचेजिंग पावर खत्म हो गई है कस्टमर की, क्योंकि मोबाइल एक महंगा आइटम है, तो हर आदमी जो है ना अफोर्ड नहीं कर सकता, क्योंकि वो छिन जाता है बाहर, वो बाहर छिन भी जाता है, और चीजें वैसे ही इतनी महंगी हो गई है, उसके बाद बचत होगी तो मोबाइल लेगा ना वो। और जो अल्लाह के नाम पे भीख मांग रहा है उसको कोई टेंशन ही नहीं है, क्योंकि क्यों क्यों भीख मांग रहा है, वजह ये है उसके बच्चे सबसे ज्यादा हैं, सबसे ज्यादा गरीब के बच्चे हैं। क्यों हैं? उसकी दुकान है, एक ए सिग्नल पे खड़ा होगा, एक उधर भाई उसकी दुकान है ना। हाँ, एक बच्चा पैदा हुआ, एक दुकान खुल गई उसकी। मोबाइल मांगने दे देना चाहिए, मोबाइल मांगने आए तो दे देना चाहिए, ऐसे बारे जान से बढ़कर तो कोई चीज नहीं, मजामत नहीं करनी चाहिए, मजामत नहीं करनी चाहिए, लेकिन ये कि सजा जरूर मिलनी चाहिए उनको। क्या हमारे जाएंगे तो सजा होगी ना, रोज हम देखते इतनी वीडियो आ रही है, पूरी पूरी उनकी शक्लें होती है सीसीटीवी पे, पता ही नहीं चलता, बस अंधा कानून है भाई यहाँ पे। अच्छा, सुबह 6 बजे यहाँ फकीर लगे हुए भी होते हैं, मैंने देखा, क्योंकि मसला ये है ना कि पूरी मुल्क में सबसे ज्यादा सदका खैरात यहाँ है, अल्लाह के नाम पे सबसे ज्यादा खिलाया जाता है, सबसे ज्यादा भीख दी जाती है, यही परवरिश हो रही है, फिर वही आपकी जेबों से भी निकालते हैं भाई मेरे। लोग पुलिस के भी नहीं जाते, कहते नहीं, पुलिस के नहीं जाएंगे तो फायदा नहीं है ना, बल्कि पुलिस उनके ऊपर जो है ना सारी तफ्तीश करेगी, उनके ऊपर इल्जाम लगा देगी कि भाई पुलिस के पास भी जाने से डरते हैं। एक तो बेचारा का उनका नुकसान हो गया कि भाई मोबाइल मेरा चला गया, वहाँ जाएंगे कंप्लेन करेंगे, वो डाकू से ज्यादा पुलिस से खौफजदा है, डाकू से जो एक बार ही लूटेगा ना चला जाएगा, वो वहाँ जाके ज्यादा पुलिस से ज्यादा खौफजदा है, इंसान जाए मिसट्रस्ट है, मिसट्रस्ट इदारों में और आवाम में। बिल्कुल ऐसे ही, बिल्कुल ऐसे ही। चले, बहुत बुरे हालात हैं, बहुत शुक्रिया, ख्याल रखिएगा भाई। तो भैया आपने कराची की कहानी सुनी, जितनी दुखी है बांसुरी उतनी दुखी हम लोगों की जिंदगी है। हम लोग हाईजैक हुए हैं, पूरा शहर 2.5-3-4 करोड़ का जो शहर है ये हाईजैक हुआ हुआ है। हम सुकून में नहीं रह सकते, जब घर से निकले यही टेंशन के शाम को बच्चा वापस आएगा या नहीं आएगा, किसी माँ का बेटा बाहर काम करने गया है, ATM गया है, कारोबार करने गया है, गारंटी नहीं है कि शाम को वापस घर आएगा कि नहीं, या कोई चोर उचक्का आके सिर्फ एक मोबाइल के पीछे 25,000-30,000-50,000 के पीछे किसी की जवान जहान औलाद की ज़िंदगी छीन लेगा। यही हमारी रियलिटी है, आई होप कोई इस पर एक्शन ले, हमारी ज़िंदगियाँ आसान हो। जितनी पीसफुल ज़िंदगी इस्लामाबाद वाले लाहौर वाले जीते हैं, हम चाहते हैं हम भी यहाँ जिए, हमारा कोई कसूर नहीं है, बस अल्लाह ने हमें यहाँ इस शहर में रख दिया है, अब हम भुगत रहे सदा यहाँ रहने की। बहुत शुक्रिया।